नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजस्थान में पिछले 4.5 साल से गहलोत और पायलट के बीच चल रहा सियासी बवाल अब चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस में दिखाई दे रही मतभेदों की लड़ाई को लेकर आलाकमान ने गत दिनों हुई दोनों ही नेताओं को बिठाकर उनमें सुलह करवाने का प्रयास किया, लेकिन ये सुलह कितनी टिकाऊ रही ये सबके सामने है। पायलट अभी भी अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि पायलट की तीन मांगों को नहीं माना जाता तो पायलट अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। इसकी सबसे अधिक संभावना 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर किया जाना माना जा रहा था। राजेश पायलट की पुण्यतिथि को लेकर सचिन पायलट पर पूरे देश के लोगों की नज़रें टिकी हुई थी। आखिर पुण्यतिथि मनाने के बाद क्या पायलट नई पार्टी की घोषणा करेंगे या फिर कांग्रेस में बने रहेंगे? जहां एक ओर 11 जून को पायलट की ओर से नई पार्टी के गठन की घोषणा को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज थीं, वहीं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल पायलट की नई पार्टी बनाने की चर्चा को लेकर इसे केवल अफवाह बता रहे हैं। राहुल गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत और पायलट को मना लिया है। इसके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने की सहमति भी बनी, जिसका जिक्र वेणुगोपाल मीडिया के सामने कर चुके हैं। उनका कहना है कि सचिन पायलट लगातार संपर्क में हैं। दिल्ली में हुई बैठक के बाद पायलट से 3 से 4 बार बात हो चुकी है। राजस्थान में इस तरह कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। उनका दावा है कि सब एकजुट होकर आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान सियासी बवाल को थामना चाहती थी, दूसरी ओर पायलट अपने मुद्दों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में आलाकमान की पूरी कोशिश है कि पायलट को राजी किया जाए। इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसमें माना जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक के बाद वेणुगोपाल ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। उनके पीछे कहीं ना कहीं पायलट को एक बार फिर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष ताज पहनाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने इसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में चर्चा है कि ये दाव कांग्रेस में फैले बवाल और पायलट की नई पार्टी की घोषणा को रोकने से जोड़ा जा रहा है। इस लिहाज से 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि का दिन सचिन पायलट और कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर पायलट की अगली सियासत चाल का रुख भी पता चलेगा। फिलहाल सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई राजस्थान में क्या कांग्रेस के हार का कारण बनेगी या नहीं, इसको लेकर के आप लोग के मन में क्या जवाब है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।